हे गाइस, कैसे हो आप? सबने डिस्ट्रिक्ट में आपका स्वागत है। जब भी आप अपजॉइन को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने ये वाला एरर आता है, सर्वर इज बिजी, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, एरर कोड स्ट्रीट एरिया। किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो लास्ट पर जो देखे, यूट्यूब चैनल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ऑलवेज कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलो अपन वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आपको कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको फ्री फायर ज़्यादा पसंद है या फिर पबजी मोबाइल, तो आपको कमेंट में जरूर बताना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ओके भी क्लिक कर देता हूँ। ओके भी क्लिक करते मैं दोबारा मैं एलिपर लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो बार बार ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ पर भी ये गेम बैन है वहाँ पर आपको ये वाला एरर जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये तो हुई बात कंफर्म कि भाई ये वाला एरर क्यों आ रहा है। बैन की वजह से हमें एरर शो करता है क्योंकि उस कंट्री में स्टेट रहेगी। तो ये चीज़ कहना चाहते हैं कि भाई बहुत से दोस्त होते हैं कि भाई विदाउट वीपन भी खेल रहे हैं, उसका भी मैं सोल्यूशन बताता हूँ कैसे खेलेंगे विदाउट वीपन, वो भी बताऊँगा। तो यहाँ पर चलते हैं बैक। बैक जाने के बाद सिंपली देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ऐप में जाना है और सिंपली इसके स्टोरेज में जाना है। अगर आपने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है तो सिंपली इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर सिंपली इसकी क्लियर कैची कर देना है। ठीक है, क्लियर कैची कर देने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, नीचे ज्वाइन का बटन दिखाई देगा, सिंपली आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको जाना है ऊपर, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ भाई ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको रो क्लब वाइटी दिखाई दे रहा होगा, रो क्लब वाइटी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको देखिए पबजी वन ग्लोबल, पबजी के आर, पबजी के आर बी जी एम आई, यहाँ पर पबजी वन ग्लोबल है। ठीक है, ग्लोबल का यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिलेगा विदाउट वीपीएन का। सिंपली यहाँ पर आपको एक क्लिक में इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड कर लेना है। जिसने भी प्ले स्टोर से, टैप टैप से या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से पबजी वाल को डाउनलोड किया है प्लीज़ उसको डिलीट कर दीजिए, वो विदाउट वीपीएन नहीं है। ये वाला जो मैंने एपीके दिया ये विदाउट वीपीएन है, मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर विदाउट वीपीएन ये चीज़। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इस एपीके को डाउनलोड करने के बाद आपको एक सेटिंग और करनी है। यहाँ पर देखिए पिन मैसेज दिखाई दे रहा है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल को, तब आपको जाके मिलेगा ये कुछ लिंक जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पिन मैसेज है, पिन मैसेज पर क्लिक करना है, यहाँ पर #4 पे आ जाना है आपको। यहाँ पर ऊपर देखिए 4 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 4 पे आ जाता हूँ मैं। 4 पे आ जाने के बाद यहाँ पर 1.1.cloudflare.dns है ना, इसको कॉपी कर लेना है। सिंपली मैं एक बार दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, एक बार रुकिए। यहाँ पर सिंपली मैं इसको क्लिक करके, यहाँ पर ये कॉपी नहीं हो रहा है, इसे कॉपी लिंक, ठीक है, मैंने कॉपी कर ली क्लिपबोर्ड में, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद सिंपली आपको अपनी सेटिंग्स ओपन करना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद कनेक्शन सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आपको प्राइवेट DNS दिखेगा, प्राइवेट DNS में आपको ऑफ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस करके यहाँ पर ये कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद वन से आगे जितना भी है इसको हटा देना है। मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, हटा देने के बाद सिंपली इसको कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा ये जो है DNS लग चुका है। लगने के बाद सिंपली यहाँ पर देखिए पबजी मोबाइल में मैंने अभी तक कोई VPN यूज़ नहीं किया है। सिंपली यहाँ पर मैं पबजी मोबाइल ओपन करता हूँ। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम आती है ना, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है नेटवर्क की वजह से भी आ जाती है। जिसने भी मेरे वहाँ से APK डाउनलोड किया है वो एक चीज़ को नोटिस करना। यहाँ पर देखिए मैं ओके भी क्लिक कर, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर मैंने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है और टॉप टाइम दे सकते हैं। जब भी मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो ये वाला एरर शो करता है मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाईफाई को बंद करके अपना जो मोबाइल डाटा है उसको ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ गेम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कोई VPN यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया हुआ, पर आप टाइम भी चेक कर सकते हैं आराम से एक बारी। तो यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर मैं अपने गूगल प्ले से है वो लॉगिन कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ कि मेरा कि भाई मेरा वाईफाई से लॉगिन नहीं हो रहा और मेरा मोबाइल डाटा से लॉगिन हो गया। उससे पहले आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको BGMI ज़्यादा पसंद है या फिर पबजी मोबाइल। अभी तक आपने मेरे को कमेंट में बताया नहीं है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताओ जिससे मुझे पता लग सके मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। तो यहाँ पर देखिए मैं जीमेल से लॉगिन कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा जीमेल से लॉगिन होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आप चीज़ करना चाहता हूँ, जिसने भी दोस्त ने बिना मेरे जो मैंने टेलीग्राम पर APK दिया है वो वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है APK, किसी भी दोस्त ने प्ले स्टोर टैप टैप या थर्ड पार्टी से डाउनलोड किया हुआ प्ले पबजी मोबाइल उसको डिलीट कर दीजिए, वहाँ से आपका विदाउट VPN चलने वाला नहीं है। जो मैंने APK दिया है वहाँ पर वो विदाउट VPN चलने वाला है आपका। ठीक है, वहाँ इसमें एक प्रॉब्लम होती है गाइस कि बहुत से दोस्त हैं ना, 50% लोग ऐसे हैं जिनका मोबाइल डाटा पे चल रहा है और वाईफाई पे प्रॉब्लम आ रही है, और 50% लोग ऐसे हैं जिनमें ना वाईफाई से लॉगिन कर रहे तो उनमें ये प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है और मोबाइल डाटा से उनका चल रहा है। तो गाइज मैं 50% लोगों में से आ रहा हूँ कि भाई मेरा मोबाइल डाटा से चल रहा है और वाईफाई से प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइज़ आप भी अपना करके देखें, वाईफाई से अगर आपका अगर दोनों ही कंडीशन में अगर मोबाइल डाटा से भी नहीं चल रहा ना वाईफाई से चल रहा है तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली VPN यूज़ करना है। अगर गेम खेलना है तो भाई VPN यूज़ करना पड़ेगा फिर। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, साफ क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो फिर नेक्स्ट अपडेट का वेट कीजिए। नेक्स्ट अपडेट में क्या था, पिछले अपडेट में क्या था कि भाई मेरी दोनों चीज़ों से चल रहा था, वाईफाई से भी चल रहा था और मोबाइल डाटा से भी चल रहा था। ठीक है, अब की बार मेरा वाईफाई से बंद
बंद हो गया, मोबाइल डाटा से चालू हो गया है। वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद भी अगर आपका नहीं चल रहा है विदाउट VPN, तो आपको सिंपली VPN यूज़ करना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए, गेम खेलने के लिए। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। वीडियो जस्ट सुना है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी पूरी वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद गाइज, बाय बाय गाइज मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ। चलो मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पूरी वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूले।